नमस्कार दोस्तों, संगीतामेरोत्रा.com में आपका स्वागत है। आज हम आपको आलू के पराठे बनाना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5 आलू उबले हुए, 3 हरी मिर्च बारीक कटी, थोड़ा सा लाल मिर्च पिसा हुआ, पिसी खटाई थोड़ी सी, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग, खड़ी धनिया थोड़ी सी पीस लें। सारे आलू को आप अच्छे से फोड़ लें। अब इनको अच्छे से हम मैश करेंगे, जिससे आलू फुटी फुटी से ना रह जाए, बिल्कुल बारीक पिस जाए। अभी अच्छे से पिस गया है। अब इसमें हम सारा मसाला मिलाएंगे, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, पिसी खटाई, धनिया, हींग। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है। अब हम आटे की लोई लेंगे, उसको हल्का सा बेलेंगे। अब हम इसमें आलू भरेंगे, आलू का मिक्सर भरेंगे, इसको गोल गोल हाथों से ऐसे चलाएंगे, इससे ये अच्छे से बंद हो जाए। अब हम इसको बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल गोल गोल बिलेगी, दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ चलाने हैं और साइड से उठा उठा के पलटते रहना है। आप देखिए ये अच्छे से गोल बिल गई है। गैस ऑन कर लें, तेज आंच रखें, तवे को गर्म होने दें। अब हमारा तवा गर्म हो गया है, हम इसमें चिकनी लगाएंगे रिफाइन। अब हम पराठा डालेंगे, इसको अच्छे से सिकने देंगे नीचे से। अब हम इसको पलटेंगे, पैन लगाएंगे, अब हम दूसरी तरफ पलटेंगे, दूसरी तरफ भी रिफाइंड लगाएंगे। और इसको हल्के हाथों से चारों तरफ से चलाते रहेंगे, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, कच्चा ना रहे। अब देखिए ये अच्छा सा लाल हो गया है। आलू का पराठा तैयार है हमारा। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई हुई कोई चीज़ बनाएं तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।